तब शरीर उसके बाद काम करेगा। शरीर को आज्ञा देगी तो नहीं, फिर मन कहेगा जाओ पानी में गला सुखाओ पियो। फिर इस क्रम को तब समझना है कि मन से इच्छा, इच्छा से क्रिया होती है। प्राण, बिना प्राण के न शरीर चलता है और न मन चलता है, दोनों में गति नहीं है। शरीर गतिहीन है और मन भी गतिहीन है, कितना ही हम सूचन करना है, लेकिन वो चंचलता मन की गति नहीं है, प्राणों से करना है। तब बिना इच्छा का मन का बीज कहते हैं, बीज क्या था उन्हें इच्छा, उस वो बीज मन में अगर अंकुरित होगा तो मेरे कर्म होंगे। तो कर्म भी दो तरह के हो गए, इच्छा दो तरह की है। एक वो इच्छा है जो ईश्वर की इच्छा कहलाती है, जो मेरे पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित है, जिसको कर्मों को भोगने के लिए मुझे शरीर ईश्वर ने प्रकृति ने दिया है, वो मैं पैदा हूँ, कुछ होता हूँ, उसी दिन उसका कर्म बन जाता है। मेरे जीवन में क्या होगा, किस मरीज को भोगना है, जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं उस जीवन की है, वापस मैं कहते हैं ज्योति से कुंडली बनाई जाती है हमारे, ज्योति ज्योति कहते हैं आत्मा को, छह का होता प्रकट करना, तो ज्योतिष आत्मा को प्रकट करने का साइंस, जैसे आयुर्वेद में आयु है, आयु ज्योति और गौ, दो तीन चीजों को सूर्य से गौ कहते हैं, सूर्य की किरण